हेलो गाइज वेलकम टू सेंटर्स ऑफ मेडिकल साइंस माई सर डॉक्टर मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स टू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एम बी एस एंड बी डी एस जो भी जिसमें भी ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं तो वो बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर द नीट यू जी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एग्ज़ाम एंड हैव गॉट सिलेक्टेड इन डिफरेंट कॉलेजेस तो बहुत हेक्टिक टाइम गया होगा आप लोगों के लिए बिकॉज अभी जो केस वगैरह चल रहा था कुछ लोग चाह रहे होंगे कि रीनीट हो जाए कुछ लोग चाह रहे होंगे कि जिनका अच्छा हुआ था वो चाहते थे कि रीनीट ना हो बट ये सब में मतलब एक तरह से प्रेशर तो रहा होगा एंड जब आप अब आप सेलेक्ट हो गए हो एंड आप कॉलेज में चले गए हो तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि कौन सी बुक्स खरीदें तो वही डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है हमारे पास टोटल तीन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में एनाटमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने तीनों की हम एक एक करके बुक्स की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एनाटमी मोस्टली स्टूडेंट्स एनाटमी पढ़ने में ही रह जाते हैं फर्स्ट ईयर के एंड तक बाकी दोनों सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल लास्ट में उठाते हैं बट तुम लोग नए आए हो अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये वाली चीज़ करना स्टार्टिंग से पढ़ना है एनाटमी को भी फिजियोलॉजी को भी बायोकेमिस्ट्री को भी हालांकि एनाटमी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है फिजियो बायोकेम तुम अभी पढ़ के भी आओ इलेवन ट्वेल्थ में बहुत सी चीजें उससे रिलेटेड भी मिलेंगी बट एनाटमी बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट उठ के आया है जिसमें तुमको तो बोन्स वगैरह ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी सो एनाटमी को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है तो क्या क्या चीजें आती है तो में हमारे पास जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है तो टोटल हमारे पास मेनली चार चीजें मैं बोलूंगा वन इज योर जनरल एनाटमी जब से पहले जनरल एनेट पढ़ोगे वो पढ़ भी रखा होगा तुमने जॉइंट्स वगैरह ये सब चीजें ता, बोन्स टाइप ऑफ बोन्स, टाइप ऑफ जॉइंट टाइप ऑफ कार्टिलेज टाइप ऑफ जॉइंट्स ये सब चीज़ें पढ़ भी रखी होगी बट ये सब पढ़ना है जनरल एनेट में उसके अलावा भी चीज़ें मिलेंगी उसके बाद मेन ग्रोस एनाडेमी पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास अपर लिम लोअर लिम थोरैक्स एक्स न्यूर हेड नेक एंड एक और कौन सा रहेगा जो भी है ये चीज़ें ग्रोस एनाडेमी में पढ़ेंगे देन हमारे पास आ गया हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी दो पार्ट है जो बिल्कुल एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनाटमी का एंड आगे भी काम आने वाली है ये वाली चीज़ें एंड उसके बाद सबसे पहले मैं एक एक करके चारों सेगमेंट्स में बताता हूँ कि कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको सो जनरल एनेट एंड ग्रोस एन एट दोनों के लिए ही हमारे पास दो बुक्स हैं वन इज योर बी प्यार से इसको बी बोलते हैं बी चौरसिया देन वन इज योर विश्राम सिंह वन इज योर विश्राम सिंह ठीक है कोई बोलेगा किसी कॉलेज में बी पढ़ी जाती है ज्यादा किसी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ी जाती है विश्राम सिंह तो दोनों बुक बहुत अच्छी हैं डायग्राम्स विश्राम सिंह में ऐसे हैं कि आप एग्जाम में ड्रॉ कर सको ईजिली अच्छे डायग्राम्स हैं थ्योरी मुझे बी की ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं यही बोलूंगा कि दोनों में से कोई भी बुक लो बस आपको पढ़ना है एनाटमी शुरू से पढ़ना है बस ये मैं बोलूँगा कि शुरू में पीछे मत रहना वरना दिक्कत हो जाएगी तो बी लो या फिर विश्राम सिंह लो मैंने पर्सनली बताऊँ तो मैंने ली थी बी मैंने पूरा बी से ही पढ़ा है एंड मोस्टली जो मैं अभी पढ़ाता हूँ तो मैं तो दोनों बुक्स को प्रेफर करता हूँ पढ़ाने के लिए बट मोस्टली कंटेंट जो है बी से ही मेरा रहता है सो so ये मैं आपको बता दूँ कि इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मेरे चैनल से मेरा चैनल जो हैशियल ऑफ मेडिकल साइंस जो चैनल है इसमें आपको सारी वीडियोज़ जितने भी आपके एम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी आपको को नीड पड़ेगी सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं मोस्टली टॉपिक्स कवर कर रखे हैं कुछ टॉपिक्स है जो नहीं है वो मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ मोस्टली टॉपिक्स आपको कवर्ड मिलेंगे ईजी लैंग्वेज में एंड जिससे आपको ईजीली समझ में आने लग जाएंगी चीजें उसके बाद बुक पढ़ोगे आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा तो आप ये मेरा चैनल इस चीज में आप प्रेफर कर सकते हो सेंचल्स ऑफ मेडिकल साइंस जो चैनल है उसको आप प्रेफर कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर के प्रीपरेशन के लिए प्रोफ एग्जाम्स के लिए सो so, uh, मैंने बताया बीडीसी डी सी एंड विश्राम सिंह दो बुक हैं ये हमारे पास वॉल्यूम है चार वॉल्यूम्स हमारे पास आती हैं चारों में अलग अलग पार्ट्स हैं एनेटेमी में तो ये चार वॉल्यूम आएंगी दोनों में ही चार वॉल्यूम आएंगी क्या है इजी टू अंडरस्टैंड बुक्स हैं प्रोफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मस्ट हैव बुक्स हैं मतलब ये बुक्स तो आपको पढ़नी है पास होना है अगर प्रोफेशनल एग्जाम में फर्स्ट ईयर में तो ये बुक्स तो आपको पढ़नी है बी लो या विश्राम सिंह लो ये आपके ऊपर है जो आपके कॉलेज में ज्यादा चलती है जो सीनियर्स तुम्हें बोलते हैं दोनों में से वही बुक प्रेफर कर लो इसके अलावा थर्ड बुक कोई मत लेना ये दोनों में से कोई एक बुक लेना गोल्ड स्टैंडर्ड अगर कोई चाहे कि मैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहता हूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड साथ में आप रख सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक एनाटमी के लिए जो है वो है ग्रेज एनाटमी सो ग्रेज एनाटमी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गई तो ये हमारा ग्रोस वाला पार्ट खत्म हो गया ठीक है ग्रेज एंडेमी किसी को लेना हो लो वरना उनसे भी काम चल जाएगा जो मैंने अभी बताई थी जिसमें मैं बोलूंगा गोल्ड uh, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड लेनी है उसमें लेनी ही है बट अभी मैं बोलूंगा कि ग्रेज एंडमी ना भी लोगे तो काम चल जाएगा आपका देन मतलब पी डी लेके काम चला सकते हो पी से भी काम चल जाएगा देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हिस्ट्रोलॉजी हिस्टोलॉजी के लिए जो बुक है दैट इज योर यवीर सिंह आई सिंह करके बुक आती है वेब सीरीज में भी एक में इसका कुछ जिक्र हुआ था सो so, इंद्रबीर सिंह इंद्रबीर सिंह जो आई बी सिंह बुक है वो आप ले सकते हो हिस्टोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है इसमें सारी चीज आपको मिल जाएंगी देन हम बात करें एम्ब्रोलॉजी के लिए तो एम्ब्रोलॉजी के लिए भी आप आई बी सिंह प्रेफर कर सकते हो सेम बुक आई बी सिंह से ही नाम से ही आती है ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी की बुक जो मैंने आपको दिखा भी दी है यहाँ पे तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो ह्यूमन एम्ब्रेलॉजी के लिए देन आ जाता है प्रैक्टिकल वाली बात मतलब एक तो होता है थ्योरी एग्जाम एक तो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम सो so, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिकल की बुक अलग से लेनी पड़ेगी मतलब लेनी पड़ेगी क्या आपको ईजी रहेगा जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे कैडेवर पर जब आप चीज़ें देखोगे तो रूम पर आकर उस चीज को रिवाइज भी करना पड़ेगा ना तो उस चीज के लिए मैं आपको दो बुक्स बोलूँगा वन इज़ योर थीमेज कर थीमे कंपनी की डायसेक्टर की बुक आती है थीमे डायसेक्टर लो या फिर हमारे पास कनिंगम की मैनुअल आती है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ये भी इसी चीज़ में हेल्प करेगी तो ये दोनों में से आप कोई भी डायसेक्टर प्रे, प्रेफर कर सकते हो डायसेक्शन होल वाली चीज़ों को देखने के लिए थीमेज या फिर कनिंगम ठीक है देन एटलस की बात करूँ तो ये भी आप ये एड ऑन बुक्स हैं ठीक है इसका आप पी से भी काम चला सकते हो ये जस्ट आपको डायग्राम्स देखने के काम आएगा इसमें ना थ्री में डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी समझने में आसानी रहेगी तो आप पी से भी काम चला सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थीमेज एटलेस फॉर द अगर आप एटलेस यूज़ करना चाहते हो क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है मेनली डायसेक्शन के डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे तो थीमे का लो या फिर कनिंगम का लो वो तुम्हारी मर्जी है हिस्टोलॉजी और उसके लिए मैंने बता दिया एम, एम्ब्रियोलॉजी के लिए आई बी सिंह है बाकी बी डी सी एंड विश्राम सिंह यहाँ हमारा एनेटमी होता है कवर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चले तो नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारे पास फिजियोलॉजी तो यहाँ पे फिजियोलॉजी में हमारे पास आ जाती है या तो ए के जैन काफ़ी अच्छी बुक है मैंने एक ए पढ़ी थी खुद बता रहा हूँ एके जैन की लैंग्वेज काफी इजी लगती है मेरे को दो वॉल्यूम्स में है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से इसमें समझाए गए हैं प्रोफ एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है मैं बोलूंगा बेस्ट बुक है या तो ए के लो या फिर जी पाल लो ठीक है मैंने पढ़ी थी ए के मैं अपना आपको बता रहा हूँ ये बुक्स आप खरीदना ना चाहो तो भी काम चलेगा इनका पी से काम चला लो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो मान लो ए से आपने कुछ पढ़ा आप चाहते हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ना चाहते हो देन यू कैन रीड इट फ्रॉम द पी डी एफ सिंपल सी बात है आजकल तो आईपैड वगैरह सब ले ही लेते हैं फर्स्ट ईयर में तो उसमें पी डी एफ ईजिली आप लेके बुक्स में डाल के आप इजिली पढ़ सकते हो सो गोल्ड स्टैंडर्ड में हमारे पास गाइटन है इंटरनेशनल ऑथर है सीधी बात है गोल्ड स्टैंडर्ड मोस्टली बुक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ऑथर ही आपको मिलेंगी एंड गेनोंग भी वो भी इंटरनेशनल ऑथर है तो गाइटन एंड गेनोंग में से आप कोई भी ले सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक अगर लेना चाहो तो ठीक है एग्जाम परपज़ अब बात आते हैं पास कैसे होना है मान लो आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा आखिरी दो महीने पढ़ना है तो ना तो एके जैन उठाना ना ही गोल्ड स्टैंडर्ड उठाना तब यहाँ पे चलती है एग्ज़ाम्स में वो चलती है शैम्बुलिंगम कहीं कहीं सेम्बुलिंगम चलती है मैं वेस्ट वै, बंगाल से पढ़ा हूँ वहाँ पर मेरे वहाँ पर चलती थी आ, क्या बोलते हैं उसको डी -पी, पी करके चलती थी देवाशीष प्रमाणिक करके एक बुक आती थी वो चलती थी फिजियोलॉजी की सो जहाँ जो चलता है एग्जाम टाइम में उस हिसाब से तो सेम्बुलिंगम मोस्टली मुझे लगता है मोस्टली स्टेट्स में सेम्बुलिंगम ही चलती होगी हमारे हरियाणा में घर तो हरियाणा में तो हरियाणा के कॉलेज में मैंने जितना पता किया ही चलती है इधर देन प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए यूज़ कर सकते हो बट ये बाय करना आपको जरूरी नहीं है क्या बाय करना आपको शुरू में अगर आप, अगर आप आप शुरू से बाय बाय कर कर रहे हो तो एकेजन कर लो ठीक है अगर आप सिर्फ एग्जाम टाइम से दो महीने पहले पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सेम्बुलिंगम ले लेना ठीक है सिंपल सी बात है पास होने के लिए बता रहा हूँ टॉप करने के लिए नहीं बता रहा हूँ देन हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट आ जाता है बायो केमिस्ट्री में हमारे पास दो बुक्स आ जाती हैं वासुदेवन एंड सत्यनारायण मेरे को पर्सनली जो डिफरेंस इन बुक्स में लगता था मेरे टाइम पे सत्यनारायण की लैंग्वेज मुझे काफ़ी इजी लगती थी कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में समझाया हुआ है लैंग्वेज इतनी इजी है ना उस बुक की लैंग्वेज कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगी चीज़ें तो अच्छा लगेगा जब कुछ चीज़ समझ आती है तो अच्छा लगता है सो so, सत्यनारायण मैं प्रेफर किया था सत्यनारायण आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो वासुदेवन ले लो या सत्यनारायण ले लो ठीक है ये आपकी मर्जी है दो ऑप्शन में दे रहा हूँ कोई भी एक ले लेना दोनों मत लेना देन गोल्ड स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लिपिन कोट एंड हारपर ठीक है लिपिन कोट एंड हारपर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है मैं नहीं कहूँगा कि आप ये लो इसी से काम चल जाएगा मेरी बात मानो तो यही है ठीक है तो मैंने आपको सारा बता दिया तो एनाटॉमी में आपको क्या लेना है बी डी सी या विश्राम सिंह लेनी है अभी के लिए बता रहा हूँ शुरू में अगर इस्टो एम्ब्रो नहीं लेना चाहते हो तो सिंपल सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ लास्ट में मैं लिख ही देता हूँ लास्ट में ये वाली चीज़ें तो so, में हमारे पास मैंने आपको क्या बताया एनेटमी में मैंने आपको बताया बी या फिर विश्राम सिंह ठीक है फिजियोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया ए के जैन या जी के पाल मैं ए के जैन ही बोलूँगा वही लिख रहा हूँ यहाँ पे एंड बायो में मैं आपको बताऊँ सो बायो में हमारे पास आ जाता है सेम्बुलिंगम सॉरी 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 गलत बोल रहा हूँ बायो बायो हमारे पास आ जाता है वासुदेवन एंड सत्यनारायण इन दोनों में से कोई एक ले लेना तो ये सिंपल सा मैंने आपको लास्ट में सिंपल फॉर्मूला बता दिया <laughs> ये ये सिंपल सा है स्टार्टिंग में ये ले लो एंड अगर आप लेना चाहो तो एटलेस भी ले लेना स्टार्टिंग से एटलेस लेना चाहो या डाइसेटर लेना चाहो तो वो आपके काम आएगा वो आप ले लेना सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ एम एंड द रेस्ट ऑफ द एम लाइफ एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आप ये वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने जितने भी फ्रेंड्स जिनका भी, भी सिलेक्शन है उनके साथ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय